दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों का पावन मन से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार अपने स्वागत के लिए जोरदार ताली। इसके बाद मैं अपने इष्ट देवता, अपने माता पिता, उनको याद करके आगे की शुरुआत करूँगा। मेरा नाम ब्रजेश गंगवार, बाइक प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। जैसे आप लोग आज ये बिजनेस को देखने आए, मुझे भी दिखाया गया और दिखाने वाले हमारे शख्स जिन्होंने ये मौका मुझे दिखाया, उनके लिए दिल से आपके तालियां चाहूंगा। हमारे ग्रेट नाइन मैडम निशा रावती जी और जोरदार तालियां। मुझे ये बिजनेस उन्होंने दिखाया और मैं उनकी बारे में बताना चाहूंगा, बिल्कुल अजनबी था क्योंकि ये बिजनेस मेरे किसी फ्रेंड को मिला था। उस फ्रेंड के साथ में ये बिजनेस को देखने गया था। मुझे नहीं पता उस व्यक्ति को क्या समझ में आया, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई, ये बिजनेस में बहुत कुछ है। सबसे पहली चीज मुझे समझ में आई क्योंकि मैं एक्टिव इनकम कर रहा था, मुझे पैसिव इनकम बहुत अच्छी लगी। उसके बाद ये बिजनेस मुझे भाग गया, दिल से करने का निर्णय किया। 3 महीने मैंने पार्ट टाइम किया इस बिजनेस को और 3 महीने के बाद मैंने अपने प्रोफेशन को साइड करके इस बिजनेस को फुल टाइम चुन लिया, एज कैरियर, और आज भी फुल टाइम हूं दोस्तों। इसके बाद जब ये बिजनेस हम शुरुआत करते, दिखाने वाला कोई व्यक्ति होता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन ये बिजनेस में आपको यदि कामयाबी चाहिए तो आपको अपने गुरु बनाना होगा। कहते हर फील्ड में गुरु बनाना होता है, उस्ताद बनाना होता नहीं होता है, तो ये बिजनेस में भी आपको ये गुरु बनाना होगा। मैडम ने और अरविंदर सर हमारे गुरु थे और आज भी आगे भी रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बहुत अच्छे गाइड और बहुत अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिला, जिनके मार्गदर्शन में चल के मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। उनका नाम दिल से और बड़े सम्मान के साथ लेना चाहूंगा, आपकी तालियों के साथ में माननीय आनंद बंसल साहब, जयपुर राजस्थान से। उनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और सबके बात को समझ के और मैंने चुन लिया कि सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैंने आपको अपना गुरु मान लिया और इस बिजनेस में जब भी कोई दिक्कत आएगी मैं आपको याद करूंगा। और जब भी कोई मुझे दिक्कत आई, चाहे वो बिजनेस संबंधी रही हो, चाहे प्रोफेशन संबंधी रही हो, चाहे मेरे घरेलू प्रॉब्लम रही हो, मैंने सर को बिल्कुल बेहिचक बात की और सर ने मुझे सलूशन दिया। तो ऐसे गुरु के लिए जो बिल्कुल कोई बिना गुरुदक्षिणा लेके हमको दिल से सिखाते हैं, ऐसे सभी गुरुओं के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा जो मेरे बिजनेस में आए। और भी बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मेरी अभी यहाँ तक पहुंच बनी है, मुझे आगे जाने की जरूरत महसूस नहीं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे आगे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप हमारे लिए गाइड हैं, मेंटर हैं, आपके पदचिन्हों पे चल के हम करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास हो चुका है। और दूसरा, हमारे बाहर से बहुत सारे जो हमारे माई लाइफ स्टाइल के परिवार के ही लोग हैं, लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए NTC, RTC, STC, TC, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अलीगढ़, आगरा, कानपुर, कासगंज से आए उनके लिए और फ्रंट सीट पे बैठे हुए हमारे बरेली के सारे लीडर्स के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये ऐसा एक व्यापार है जहां पर आपके साथ साथ बहुत सारे लोग मिलकर आपको सपोर्ट देने को तैयार होते हैं। जब भी मैंने बिजनेस देखा तो बहुत सारी, अभी मैं कुछ ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा मुझे बोलने में अंदर से नहीं, क्योंकि पिछले 5 सितंबर से मैं बेड रेस्ट पे हूँ। 5 सितंबर को मुझे हेल्थ इशू आया था, उसके बाद 15 सितंबर को मेरी टीम ने, डॉक्टर इकबाल जी और मेरी पूरी टीम ने प्लानिंग मीटिंग लगाई थी कि सर एक प्लानिंग करनी है। उस 15 सितंबर की जो डेट थी, सुबह को बहुत तेज मेरे पेन हो रहा था लीवर में और मैं एक लीवर की टैबलेट ऐसी खाई जो पेन रुक जाए और 2 घंटे के लिए रुक जाए, क्योंकि मेरे नाम से मेरे परिवार ने मुझे याद किया है। एक परिवार मेरे घर में था और एक परिवार मेरा मुझे याद कर रहा था। दोस्तों किसके साथ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैंने वो टैबलेट खा के 2 घंटा उस मीटिंग को लिया, प्लानिंग को किया और उसके बाद मैं 100% बेड रेस्ट पे चला गया। 15 सितंबर को उसके बाद मैंने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करी और 15 सितंबर की प्लानिंग के बाद मैंने अपनी टीम को बोला कि मेरी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। बहुत सारे लीडर्स को मैंने बोला आपको ये बिजनेस संभालना पड़ेगा, क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं? तो मैंने अपने लीडर को बोला कि बात पूछी है STC, GPC, ZTC, TC। उन्होंने बोला सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी हुई डी प्लानिंग में इस महीने काम करेंगे और 100% जीत के दिखाइए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस महीने की जो मेरी क्लोजिंग गई थी 2,42,000 रुपए गई थी। इसके बाद सेकंड मंथ आता है, मैंने अपने सभी TC और STC को बुला के बात की, मैंने कहा दोस्तों
डॉक्टर ये बोला है कि आपको लंबा बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा और आप बिल्कुल फील्ड में ना निकले, बाइक ना चलाएं, क्योंकि आपका लीवर में बहुत ज्यादा इंफेक्शन बढ़ चुका है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा दोस्तों इस महीने क्या कमाल करेंगे। तो मुझे वादा किया मेरी टीम ने, मुझे नाज है और मैं उस टीम के लिए यहाँ से आप लोगों से रिक्वेस्ट चाहूंगा, उस टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो टीम मेरे साथ इस परेशानी के दौर में मेरे साथ खड़ी थी। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा, जो भी मेरी टीम का हिस्सा है अपनी जगह पे ईमानदारी से खड़े होंगे और मैं आपका यहाँ से तालियों से और आप लोगों से चाहूंगा एक बार स्वागत करें ऐसी लवली टीम का, एक बार से मैं आप सारे लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे हौसला दिया इस परेशानी के दौर में। अपलाइन तो साथ में थे लेकिन मेरी जो पार्टनर टीम थी वो मेरे साथ, थैंक यू सर आप बैठ जाइए, आप लोगों ने हौसला दिया। और मैं बताना चाहूंगा अगले मंथ का जो बिजनेस गया, अगले कट आपको मैंने जब चेक किया तो 3,45,000 का क्लोजिंग गया दोस्तों, मुझे बहुत गर्व हुआ। यस, मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो मेरे साथ परेशानी के दौर में खड़े हैं। और इसके बाद थर्ड मंथ आता है, इसके बाद मैं कैसे हॉस्पिटल में पहुंच गया, डॉक्टर ये कह रहा है कि आपका बचना नामुमकिन है, आपकी सीवीडीली में स्टोन फंस गया है, साइज है 8 mm का और 2 stones है और वो भी लोअर साइड में है, 9 और 10 mm की पथरी आपकी फंसी और पूरी नली जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। दोस्तों मुझे ये डॉक्टर ने बताया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो बता दिया, मेरे परिवार को मत बताना। और मैं आपको बताऊं डॉक्टर्स लोग हमारे बीच में बैठे हैं, डॉक्टर्स का एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए जब नंबर आया, मेरी स्थिति ये थी आईसीयू वार्ड में भर्ती करने लायक थी, तो मेरे बेटे को बुलाया गया, मेरे बहनों ही साथ थे, उनसे मना करके बोले आपका साइन नहीं चाहिए, इनके ब्लड रिलेशन का साइन चाहिए। तो मेरी वाइफ मेरे घर थी और मेरा बेटा 16 साल का मेरे साथ था, उसका साइन लिया और पता नहीं क्या बोल दिया, वो घर जाके बहुत रोया दोस्त। मैंने बोला टेंशन मत ले बेटा, मैं जिंदा हूं, कुछ भी नहीं होगा मुझे। और मैंने आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से आंसू को निकाल के फेंक दिया, मैंने हिम्मत बांध ली और उसके बाद अस्पताल में मेरे साथ में जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे, मेरे अप्लाई, मेरे साथ के लोग, सारे लोग मुझे मिलने आने लगे और डॉक्टर उनको बुला के बात करता था, मेरे सामने बात नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने उस दिन अपने डर को निकाल के फेंक दिया, मैंने एक बूंद आंसू नहीं बहाई क्योंकि मुझे भरोसा था मेरी अगर जिंदगी होगी इतने सारे लोगों की दुआएं, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, ईसा मसीह को कबूल करना पड़ेगा और जिंदगी तुझे देनी पड़ेगी, डॉक्टर कुछ भी बोले। मैंने डाउट नहीं किया और मुझे एक फर्क था, मैं ऐसा कुछ करके जा रहा हूं। मैंने मैडम से बोला, मैंने कहा टेंशन मत लेना, मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि रोटी के लिए तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, उतना पैसा माइल एक्टिव से आता रहेगा, पिछले 3 महीने से रिकॉर्ड बन चुका है, आगे मुझे भरोसा है, मेरी टीम और मेरी अपलाइन, मेरी उम्मीद मेरी अपलाइन और मेरे गुरु से है, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद हॉस्पिटल में एक भी आंसू मेरी आंखों से नहीं निकला और ऑपरेशन की डेट लग गई। इकबाल सब मेरे पास आते और मुझसे बोले सर मेरे रास्ते में ना बहुत ज्यादा गलत विचार आ रहे थे। मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, मालूम मैंने क्या किया, मैंने कहा क्या बात, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, पापा जी की तबीयत सही है क्या, इनके आंसू आ गए। मैंने अपना मुंह घुमा लिया क्योंकि मैं अगर रो दिया मेरी हिम्मत टूट जाएगी, मुझे पता था इनके दिमाग में क्या आ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने ठूस दिया था कि आदमी बचने के लायक नहीं है, इसकी नली फट गई तो ब्लड नहीं रुकेगा और ये बंदा बचेगा नहीं, गारंटी के साथ आप दिल्ली ले जाओ, इनको डॉक्टर ने बोला था क्योंकि इनका क्लोज बंदा था और उस व्यक्ति ने इनको बोला। मैंने इनसे बोला दोस्त चिंता मत करो, मेरी सांसें इतनी जल्दी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे साथ सैकड़ों लोगों की दुआएं हैं। उस हॉस्पिटल में डॉक्टर, स्टाफ, नर्स सब हैरानी है, साधारण सा दिखने वाला काला पीला आदमी और इतने लोग देखने आ रहे इसको। मालूम है क्या था, वो था एक प्यार, जो प्यार आज आपको हम आने के बाद महसूस होता है दोस्तों, जिस प्यार को, जिस मोहब्बत को, जिस दुआ को किसी पैसे, किसी दौलत, किसी शौहरत से खरीदा नहीं जा सकता है, वो है हमारे बिजनेस में एक दूसरे से कदम मिला के सपनों को पूरा करने की एक मोहब्बत और प्यार, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर जब दूसरे दिन मुझे मिलने आता तो बोलता सर आप बहुत लकी हो, आपका स्टेंट पड़ गया और साथ में स्टोन भी निकल गया, पता भी नहीं लगा। डॉक्टर साहब को क्या बोला, मैं डॉक्टर साहब आपको अपना काम कर रहे थे, मेरे लिए तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों और
चर्च में दुआएं हो रही थी जिसकी वजह से आज सब कुछ पॉसिबल आया। और मैं आपको बताऊं, ये आदमी जिंदा रहेगा, पूरी जिंदगी जिंदा रहेगा, जब तक मैं अपने सपनों और अपने लोगों के सपनों को पूरा नहीं कर दूंगा तब तक कोई बीमारी साली सांस नहीं छीन सकती, ऐसा मुझे भरोसा है अपने गॉड पे। क्या आप ऐसा भरोसा करते हैं दोस्तों? तो मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, ये परेशानी का दौर, ये संघर्ष, ये सब कुछ आएगा, लेकिन आपको एक चीज पकड़ के रखनी है, अपने माइंड को सेट करके रखना है कि यस, मेरे सपने को मैं पूरा करूंगा, और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उन पे मुझे भरोसा है, और मैं जिन गुरुओं के साथ मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ उन पे मुझे भरोसा है। मैंने मालूम है जिस दिन ऑपरेशन था सुबह किसको फोन किया, क्योंकि एक व्यक्ति सबके दिल के अजीज मेरे बहुत करीब थे, और मैंने फोन किया सर को सुबह 7 बजे, मेरा कॉल गया, मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि कल आपका ऑपरेशन है। तो मैंने बंसल साहब को फोन किया और मैंने सर किया, सर मुझे आपकी याद आ रही है। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं सर, बस याद आ रही है। उन्होंने एक बात बोली, वो दो शब्द, अगर आपकी जिंदगी में बोलने वाला कोई इंसान है दोस्तों ना, तो जिंदगी की सारी जंगें जीत सकते हो। उन्होंने बोला, ब्रजेश डोंट वरी, चिंता मत कर, अगर कोई भी बात हुई मैडम को फोन दे देना, बहू को फोन दे देना, बहू जितने बना लिया तुम, मेरे लिए तो सब कुछ मिल गया, क्या चाहिए। मेरी वाइफ को बोला कि आप बहू को फोन दे देना और मैडम को फोन दे देना, मैं जयपुर से 3 घंटे में बरेली पहुंचूंगा, इसमें कुछ भी करना पड़े मुझे। आप मुझे बताओ, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो आपको ये बोलता है डोंट वरी? नहीं है ना, तो ये बिजनेस को आप साइन अप कर लेना, उसके बाद वो इंसान आपका ये बोलने वाला मिल जाएगा, चिंता मत करना, डोंट वरी, आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। और सर की यही लाइनें मुझे मोटिवेट करती हैं। उसके बाद हमारी ग्रेट अपलाइन मैडम निशा भारती जी, रविंदर सर, इनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। सर मेरे हॉस्पिटल में मुझे मिलने आए तो सर बहुत शांत थे। मैंने कहा सर क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जो आशीर्वाद आज आप बरेली टीम पे दे रहे हैं, ये आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे लिए मेरी सारी चीजें मिल जाएंगी। और दोस्तों यही दुआ मैं आप लोगों के लिए करना चाहूंगा, आज आप इस बिजनेस में आए, किसके साथ आए, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, चाहे वो आपका रिश्ते में कुछ भी हो। मैं एक सवाल आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा दोस्तों, 3 महीने में बेड पे रहा, यदि किसी को डाउट हो, मेरा सारा कुछ हॉस्पिटल का भर्ती का सिस्टम पूरा रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, कोई जॉब कैटेगरी का व्यक्ति 3 महीने नहीं जाएगा, 4th महीने क्या करेगा उसका बॉस? जवाब आप खुद अपने आप को दीजिए। 3 महीने मेडिकल स्टोर वाला मेडिकल स्टोर नहीं खोलेगा, कितना बिक्री होगा? कोई प्रोफेसर करता है, मैं एडवोकेट था, अगर कचहरी पे नहीं जाता 3 महीने, क्या पैसा मेरे घर आता? लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पिछले 3 महीने में मुझे वीकली इनकम भी आई, लॉयल्टी महीने का बोनस भी आया, और इस बिजनेस में मैंने रिटेल भी कमाया। आप सोच सकते हैं क्या लेटे लेटे रिटेल कमाया मैंने? पिछले हफ्ते मैंने 5-10 हजार का रिटेल प्रोडक्ट सेल किया है, और एक लीडर को मैंने गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा दोस्त ये आपके लिए, आप मुझे बताइए क्या ऐसा व्यापार जो लेटे लेटे आपके मोबाइल फोन से चल सकता है, पैसे में इनकम दे सकता है, कोई आपकी नजर में है? अगर हो तो मुझे बताना दोस्तों, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये बिजनेस के साथ एक पैसे में इनकम बहुत खड़ी कर लूंगा। और यदि नहीं है तो एक ही बस आपसे बोलना चाहूंगा, एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिसके साथ आप आए हो उसका हाथ कस के पकड़ लेना। आपकी जिंदगी में पैसे में इनकम मेरे साथ जैसे हुआ वैसे आपके जीवन में ऐसा कोई संकट भगवान ना करे आए, अगर आ गया तो इनकम के लिए कोई काम करने के तो नहीं, पैसे में इनकम आपको आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। बाकी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।